इस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 21 से 31 जनवरी तक के सभी करंट अफेयर्स का फास्ट रिवीजन करने वाले हैं आप सभी जानते हैं इस वाले सेशन में हमारा जो एक्सप्लेनेशन है वो पार्ट इंक्लूड नहीं रहता है एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे डेली वीकली या फिर मंथली करंट अफेयर्स देख सकते हैं साथ ही का इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पी वीकली पी और मंथली पी चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कॉमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं साथ ही आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी गूगल प्ले से इंस्टॉल कर लीजिए क्योंकि जो भी हमारा पी डी है यह आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही अवेलेबल हो पाएगा इसमें हम आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ जो स्ट्रेटिजी के पोर्शन है वो भी कवर करते हैं उसकी भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराते हैं साथ ही आप फ्री करंट अफेयर्स क्वेश्चंस भी यहाँ पर अटैम्प्ट कर सकते हैं तो यदि आप हमारा पीडीएफ कोर्स बाय करना चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा ये सभी कंटेंट है जो हम आपको पीडीएफ फॉर्मेट में जो है प्रोवाइड कराते हैं कोई भी अगर आपका डाउट होगा हमारे पीडीएफ कोर्स से संबंधित तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की निवेशक शिक्षा के लिए किस एजेंसी ने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है ऑप्शन आपके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन बी है सो सेवी लॉन्च सारथी मोबाइल ऐप फॉर इन्वेस्टर एजुकेशन केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड में कितने करोड़ के निवेश को मंजूरी दी है सही आंसर ऑप्शन बी है यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड इनफ्यूजन ऑफ 1500 हंड्रेड करोड़ इन इंडियन रिन्यूबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड 2021 के लिए फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है सही आंसर ऑप्शन डी है सो रोबर्ट लेवान डॉफ्स की वॉन द फीफा बेस्ट मैं प्लेयर अवार्ड फॉर ट्वेंटी हाल ही में हरिपाल सिंह अहलूवालिया का निधन हो गया वह एक उल्लेखनीय क्या थे सही आंसर ऑप्शन सी है सो so, नोटेड माउंटेनियर हरिपाल सिंह अहलूवालिया पास्ट अवे रिसेंटली भारत में छोटे और सीमांत किसानों की खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम और किस राज्य ने हाथ मिलाया है सही आंसर ऑप्शन बी है द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड ओडिसा हैव जॉइंट हैंड्स टू इंप्रूव द फूड इन ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इन इंडिया भारतीय दूरसंचार उद्योग में कौन सी कंपनी यूपीआई ऑटो पे के साथ लाइव होने वाली पहली कंपनी बन गई है सही आंसर ऑप्शन ए है सो रिलायंस जियो हैज बिकम द फर्स्ट इन द इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री टू गो लाइव विद यूपीआई ऑटो पे यूरोपीय संसद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है सही आंसर ऑप्शन सी है सो रोबर्टा मेटसोना हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट गुड डॉट ने निम्नलिखित में से किसे अपना ब्रांड अम्बेसडर नियुक्त किया है सही आंसर ऑप्शन सी है सो गुड डॉट हैज साइंड अप नीरज चोपड़ा एज इट्स ब्रांड अम्बेसडर निम्नलिखित में से किसने लीजेंड्स लीग क्रिकेट के टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स प्राप्त किए सही आंसर है ऑप्शन ए सो हाउ हैज एक्वायर द टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट ऑफ लीजेंड्स लीग क्रिकेट हाल ही में किस प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट का निधन हो गया है सही आंसर ऑप्शन डी है सो फेमस कार्टूनिस्ट नारायण देवनाथ हैज पास्ट अवे रिसेंटली बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है सही आंसर ऑप्शन डी है सो चंद्रचूर घोष इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन अनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट निम्नलिखित में से कौन ए महिला एशियाई कप के बीसवें संस्करण के आयोजन स्थलों में से एक नहीं है सही आंसर ऑप्शन सी सो न्यू डेली इज नॉट वन ऑफ द वेन्यूज फॉर ट्वेंटी एडिशन ऑफ द ए एफ सी एशियन कप इसका मतलब क्या हुआ पुणे मुंबई और नव, नवी मुंबई ये तीनों ही जो ए एफ सी एशियन कप है इसके वेन्यू रहे केन्या ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट को विकसित करने के लिए किस बिजली कंपनी ने अफ्रीका 50 के साथ एक संयुक्त विकास समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं सही आंसर ऑप्शन डी है सो पावर ग्रिड हैज साइंड जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट विद अफ्रीका 50 टू डेवलप द केनिया ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट पियर्सन ने किस अभिनेता को अपना नया ब्रांड अम्बेस्टर घोषित किया है सही आंसर ऑप्शन सी सो पियर्सन हैज अनाउंस्ड विक्की कौशल एज इट्स ब्रांड अम्बेसडर परिधान निर्यात संवर्धन परिषद यानी कि ए के नए अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया सही आंसर ऑप्शन डी है सो so, नरेंद्र कुमार गोइन का टुक ओवर एज द न्यू चेयरमैन ऑफ एपर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल नौवीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप का स्थल क्या रहा वेन्यू क्या रहा तो इसका वेन्यू रहा लाहौल एंड स्पीडी भारतीय किसान उर्वरक सहकारी यानी उफको के अध्यक्ष कौन बने हैं सही आंसर ऑप्शन सी है सो so, दिलीप संघानी हैज बिकम द चेयरमैन ऑफ द इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव यानी कि इफको 2021 के लिए आईसीसी मेंस ओडीआई टीम ऑफ द ईयर का कप्तान किसे नामित किया गया सही आंसर ऑप्शन बी है सो बाबर आजम हैज बीन नेम्ड एज द कैप्टन ऑफ द आईसीसी मेंस ओडीआई टीम ऑफ द ईयर फॉर 2021 किस प्रशांत के पास समुद्र के भीतर ज्वालामुखी फट गया जिससे पूरे क्षेत्र में सुनामी की लहरें उठी सही आंसर ऑप्शन बी है एन अंडर सी वॉलकैनो इरप्टेड क्लोज टू पैसिफिक आइलैंड ऑफ टोंगा सेंडिंग सुनामी वेव्स अक्रॉस द रीजन आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार सितंबर 2021 हजार इक्कीस से डिजिटल भुगतान सूचकांक क्या है सही आंसर ऑप्शन सी है सो थ्री हंड्रेड फोर पॉइंट जीरो सिक्स इज द डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स फॉर सेप्टेम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी वन एज पर आर बी आई डेटा दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया सही आंसर ऑप्शन डी है सो वर्स ओल्डेस्ट मैन सेट डी पास रिसेंटली एट 112। यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस स्टीयरिंग ग्रुप के ब्रांड एम्बेस्डर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है सही आंसर ऑप्शन डी है सो विजय शेखर शर्मा हैज रोबीन एज ब्रांड एम्बेस्टर ऑफ द यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस स्टीयरिंग ग्रुप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने निम्नलिखित में से किसे चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया सही आंसर ऑप्शन बी है सो द यूनिवर्सिटी प्रेस हैज डिक्लेयर्ड एनजाइटी एज चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर 2021 सुपरहिट वीडियो गेम कॉल ऑफ ड्यूटी और कैंडी क्रश के निर्माता एक्टिविजन ब्लिजार्ड को कौन सी कंपनी खरीदेगी तो इसको खरीदेगी माइक्रोसॉफ्ट सही आंसर ऑप्शन सी केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहां पर प्रसाद परियोजना का उद्घाटन किया सही आंसर ऑप्शन सी है यूनियन टूरिज्म मिनिस्टर जी किशन रेड्डी इनॉग्रेटेड प्रसाद प्रोजेक्ट्स एट गोवर्धन मथुरा व्हाट्सएप चैटबॉट पर 80 से अधिक नागरिक आधारित सेवाएं देने वाला विश्व का एकमात्र नगर निगम निम्नलिखित में से कौन सा है सही आंसर ऑप्शन डी है सो so, बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ओनली म्यूनिपल कॉर्पोरेशन इन वर्ल्ड टू चैटबोर्ड भारत ने 2021 में सोने की आयात पर कितना खर्च किया है सही आंसर ऑप्शन सी है सो इंडिया स्पेंड 55.7 बिलियन यूएस डॉलर ऑन गोल्ड इम्पोर्ट इन 2021 हाल ही में किस प्रसिद्ध पारिस्थिति वैज्ञानिक का निधन हो गया है सही आंसर ऑप्शन सी है सो फेमस इकोलॉजिस्ट एम के प्रसाद पास अवे रिसेंटली हाल ही में एस दो जी का निधन हो गया वह एक उल्लेखनीय क्या थे सही आंसर ऑप्शन डी है सो नोटेड जर्नलिस्ट राम राजप्पा अवे रिसेंटली फाइजर के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी का नाम बताइए जिन्होंने कोविड नाइन्टीन वैक्सीन के लिए वैक्सीन के विकास के लिए वन बिलियन वन मिलियन यूएस डॉलर का जेनेसिस प्राइस जीता है सही आंसर ऑप्शन सी है सो चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ फाइजर मिस्टर एल्बर्ट बोर्डा वॉन वन मिलियन यूएस डॉलर जेनेसिस प्राइस फॉर डेवलपमेंट ऑफ कोविड नाइनटीन वैक्सीन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस तेज के साथ एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर के उन्नत संस्करण का निर्यात करने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं सही आंसर ऑप्शन सी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हैज साइंड कॉन्टैक्ट विद मॉरिशस टू एक्सपोर्ट द एडवास्ड वर्जन ऑफ द एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के अनुसार 2022-23 में भारत की अर्थव्यवस्था के कि कितने प्रतिशत बढ़ने की संभावना है सही आंसर ऑप्शन बी है एज पर द इंडियन एज पर द इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च इंडिया इकोनॉमी इज लाइकली टू ग्रो बाय 7.6 इन 2020-23 ट्वेंटी सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिताब किसने जीता है सही आंसर ऑप्शन ए है सो पी सिंधु सिंधुवान सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टाइटल जेरी हेमलेट को किस राज्य या शासित प्रदेश का पहला मिल्क विलेज घोषित किया गया है सही आंसर ऑप्शन डी है जेरी हेमलेट डिक्लेयर्ड एज फर्स्ट मिल्क विलेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया सही आंसर ऑप्शन ए है सो मिस्टर विनोद राय बीन अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट चेयरमैन ऑफ यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड निम्नलिखित भारतीय क्रिकेटरों में से कौन आईसीसी सी पुरुषों की वर्ष की टेस्ट टीम में शामिल नहीं है सही आंसर ऑप्शन बी है सो so, विराट कोहली इज नॉट इंक्लूडेड इन द आईसीसी मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर बाकी अश्विन ऋषभ पंत एंड रोहित शर्मा आर इंक्लूडेड इन दिस टीम एंड द टीम इज कैप्टन बाय केन विलियमसन अमर जवान ज्योति का उद्घाटन भारत के इतिहासिक इस महत्वपूर्ण घटना के उपलक्ष्य में किया गया था सही आंसर ऑप्शन डी है The अमर जवान सेवेंटी वन बांग्लादेश लिबरेशन वॉर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती किस रूप में मनाई जाती है सही आंसर ऑप्शन सी है द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस इज बिंग सेलिब्रेटेड एज पराक्रम दिवस हरियाणा और हिमाचल प्रदेश ने किस नदी को पुनर्जीवित करने के लिए हिमाचल प्रदेश में एक बांध के निर्माण के लिए एक समझौता के अपन हस्ताक्षर किए हैं सही आंसर ऑप्शन डी है हरियाणा और हिमाचल प्रदेश इन हिमाचल राष्ट्रीय रैंकिंग टूर्नामेंट में खराब प्रदर्शन के कारण खेल मंत्रालय की टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम से किसे हटा दिया गया सही आंसर ऑप्शन सी है सो आर्चर कुमारी एंड अतनु दास वर्ल्ड फ्रॉम द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्रीज टारगेट ओलंपिक इन द नेशनल रैंकिंग टूर्नामेंट किस कंपनी ने यूरोप स्थित कॉम टेक को आई टी में सौ प्रतिशत हिस्सेदारी के अधिकरण की घोषणा की सही आंसर ऑप्शन दी है सो टैक महिंद्रा है डिजिटल अवसरों का पता लगाने के लिए किस देश ने औलू विश्वविद्यालय और जियो एस्टोनिया ने सहयोग किया है सही आंसर ऑप्शन बी है सो फिनलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू एंड जियो एस्टोनिया टू एक्सप्लोर डिजिटल अपॉर्चुनिटीज इन सिक्स रिन्यू पावर ने किस कंपनी के साथ एक नई इकाई बनाने के लिए एक संयुक्त उद्यम का गठन किया जो भारत में ऊर्जा भंडारण समाधान प्रदान करेगी सही आंसर ऑप्शन सी है रिन्यू पावर हैज फॉर्म ज्वाइंट वेंचर विद फ्लुएंस to form a new entity which will provide energy storage solutions in india अंकटेड के अनुसार 2021 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह कितने प्रतिशत कम था सही आंसर ऑप्शन बी है एज़ पर द अंकटेड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्लोस टू इंडिया इन 2021 वर 26% लोअर रक्षा कंपनी साब ने भारत से 84 एंटी आर्मर हथियार अनुबंध प्राप्त किया है साब किस देश की कंपनी है सही आंसर ऑप्शन डी है डिफेंस कंपनी साब एटी फोर एंटी आर्मर वेपन कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम इंडिया साबिस बेस्ड आउट ऑफ स्वीडन इंडियन टैक स्टार्टअप इकोसिस्टम ईयर ऑफ द टाइटन के एक अध्ययन में बताया गया है कि भारत ने दो हजार इक्कीस में बाईस सौ पचास से अधिक स्टार्टअप जोड़े हैं यह रिपोर्ट किसने तैयार की है सही आंसर ऑप्शन डी है स्टडी कॉल्डी टाइटल्ड इंडियन टैक स्टार्टअप इकोसिस्टम ईयर ऑफ द टाइटन दैट इंडिया एडेड ओवर Uh, 2250 startups in 2021 ट्वेंटी टू हंड्रेड फिफ्टी स्टार्टअप इन ट्वेंटी ट्वेंटी निम्नलिखित में से किसने भारत के अनुसंधान एवं विकास कर्मचारियों के कौशल वृद्धि के लिए बिट्स प्लानिंग के साथ भागीदारी की है सही आंसर ऑप्शन डी है सो ओपो इंडिया हैज पार्टनर्ड विद बिट्स प्लानिंग फॉर स्किल इनहेसमेंट ऑफ इंडिया आर एंड डी एम्प्लॉज रिसर्च एंड डेवलपमेंट एम्प्लॉयज भारत ने तत्काल ईंधन आयात के लिए किस देश को 500 मिलियन यूएस डॉलर लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान किया सही आंसर ऑप्शन सी है इंडिया एक्सटेंडेड 500 मिलियन यूएस डॉलर लाइन ऑफ क्रेडिट टू श्रीलंका फॉर अर्जेंट फ्यूल इंपोर्ट्स किस कंपनी ने अपने प्रमुख स्टार्टअप त्वरक कार्यक्रम लीप का विस्तार करने की घोषणा की है सही आंसर ऑप्शन सी है सो फ्लिपकार्ट अनाउंस टू एक्सपैंड इट्स फ्लैगशिप स्टार्टअप एक्सीटेड प्रोग्राम लीप 24 जनवरी को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का विषय क्या रहा सही आंसर ऑप्शन डी है सो चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन इज द थीम फॉर इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन सेलिब्रेटेड ऑन जनवरी 24 नेताजी अनुसंधान ब्यूरो द्वारा नेताजी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है सही आंसर ऑप्शन ए है सो सिनजो आबे 컨ਫर्ड द नेताजी अवार्ड 2022 बाय नेताजी रिसर्च ब्यूरो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया है सही आंसर ऑप्शन ए है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अ होलोग्राम स्टैच्यू ऑफ फ्रीडम फाइटर नेताजी सुभाष चंद्र बोस एट इंडिया गेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में सोशल हाउसिंग यूनिट्स प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया सही आंसर ऑप्शन सी है पीएम नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड द सोशल हाउसिंग यूनिट्स प्रोजेक्ट इन मॉरिशस 2021 की आईसीसी महिला क्रिकेटर किसे नामित किया गया है सही आंसर ऑप्शन डी है सो स्मृति मंधाना हैज बीन द आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द 2021 भारत का पहला संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन कौन बन गया है सही आंसर ऑप्शन बी है सो so, यूट्यूबर प्रजक्ता कोहली हैज बिकम फर्स्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम यूथ क्लाइमेट चैंपियन कॉकपोरॉक दिवस भारतीय किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है सही आंसर ऑप्शन बी है सो कॉक डे इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन इंडियन स्टेट ऑफ त्रिपुरा सुभाष भौमिक जी ने हाल ही में निधन हो गया किस खेल से जुड़े थे सही आंसर ऑप्शन सी है सुभाष भौमिक हु हो अवे रिसेंटली प्लेड फुटबॉल मरियन बेड ओपन 2022 ट्वेंटी टू सतरश टूर्नामेंट किसने जीता सही आंसर ऑप्शन सी है सो एम आर ललित बाबू वो ऑन द मरियन बेड ओपन ट्वेंटी ट्वेंटी टू चेस टूर्नामेंट भिक्षु से शांति कार्यकर्ता बनी थी नहत हान जिनका हाल ही में निधन हो गया किस देश के थे सही आंसर ऑप्शन सी है सो so, थीच नाथ हान द मोक टर्न पीस एक्टिविस्ट हु डाइट रिसेंटली बिलोंग टू वियतनाम तो ने सीना ने निम्नलिखित में से किसके साथ द लीजेंट ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक का सहलेखन किया है सही आंसर ऑप्शन सी है तो ने सीना को थर्ड बुक टाइटल द लीजेंट ऑफ बिरसा मुंडा विद अंकिता वर्मा राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया जाता है सही आंसर ऑप्शन सी है कृषि कृषि मंत्रालय संस्थानों को खरीद के लिए कितने रुपए तक अनुदान प्रदान कराएगी? सही आंसर ऑप्शन ए e है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री टू प्रोवाइड ग्रांड अपटू रुपीज टेन लैक टू एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट फॉर परचेस ऑफ ड्रोन इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग जीता है सही आंसर ऑप्शन सी है सुस्मिता सेन व इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग में खोजी गई रेन फ्रॉक की नई प्रजाति का नाम लिखे हुए किसके नाम पर रखा गया है सही Panama, भारत की पहली अत्याधुनिक पैरा बैडमिंटन अकेडमी किस शहर में स्थापित की गई है सही आंसर ऑप्शन बी है इंडिया स्टेट ऑफ द आर्ट पैरा बैडमिंटन अकेडमी हैज बिन सेटअप इन लखनऊ उत्तर प्रदेश किस राज्य सरकार ने भारत का पहला ए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है सही आंसर ऑप्शन बी है सो कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च इंडिया एवीजीसी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भारत और किस देश ने दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की तीसवीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए एक स्मारक लोगो लॉन्च किया है सही आंसर ऑप्शन ए है इंडिया एंड इसराइल लॉन्च लोगो टू मार्क द दर्टीथ एनिवर्सरी ऑफ द स्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज बाघ संरक्षण पर चौथा एशिया मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश ने आयोजित किया है सही आंसर ऑप्शन सी है सो मलेशिया ऑर्गेनाइज द फोर्थ एशिया मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन टाइगर कंजर्वेशन ई संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार भारतीय डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को 2025 तक कितने बिलियन डॉलर तक के निवेश की आवश्यकता है सही आंसर ऑप्शन सी है एज पर द दाई जॉइंट रिपोर्ट इंडियन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स इन्वेस्टमेंट ऑफ अप टू 23 बिलियन यूएस डॉलर बाय 2025

सरकार ने बीटिंग रिट्रीट समारोह के लिए ईसाई धुन एबाइड विद मी को किस देशभक्ति गीत से बदल दिया है सही आंसर ऑप्शन डी है द गवर्नमेंट हैज क्रिश्चियन हिम विद विद मी पैट्रियोटिक सॉन्ग मेरे वतन के फॉर द बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी भारतीय नौसेना और जापानी नौसेना ने किस क्षेत्र में समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है सही आंसर ऑप्शन डी है द इंडियन नेवी एंड जापानीज नेवी अंडर द मेरी टाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज इन बे ऑफ बेंगोल अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2022 रिपोर्ट के अनुसार 2022 में वैश्विक बेरोजगारी कितने मिलियन तक पहुंच जाएगी सही आंसर ऑप्शन बी है अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स ट्वेंटी रिपोर्ट ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट विल रीच टू मिलियन इन ट्वेंटी किस देश की सरकार ने महात्मा गांधी को एक प्रमुख मेट्रो स्टेशन समर्पित किया है सही आंसर ऑप्शन ए है सो मॉरिशस गवर्नमेंट हैज अ मेजर मेट्रो स्टेशन टू महात्मा गांधी हाल ही में किस देश ने एरो थ्री एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम और उसके इंटरसेप्टर का परीक्षण किया सही आंसर ऑप्शन ए है सो इसराइल टेस्ट फ्लाइटेड एरो थ्री एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम एंड इट्स इंटरसेप्टर्स राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है सही आंसर ऑप्शन सी है सो नेशनल टूरिज्म डे इज सेलिब्रेटेड ऑन ट्वेंटी जनवरी किस टीम ने नौवीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 जीती सही आंसर ऑप्शन ए है so, वो सो लद्दाख वाइन्थ वेमेन नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप ट्वेंटी ट्वेंटी इस वर्ष कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सही आंसर ऑप्शन सी है सो ट्वेंटी चिल्ड्रन है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिस ईयर Hangzhou, चीन में खेले जाने वाले एशियाई खेलों के लिए भारतीय टीम के लिए विदेशी कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया सही आंसर ऑप्शन बी है उसके लिए गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान और निम्न से किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है सो गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एंड विनोद शर्मा हैव बिन सेलेक्टेड फॉर द सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022। विश्व में कौन सा देश खीरेगा सबसे बड़ा निर्यातक बनकर उन्सर ऑप्शन ए है सो इंडिया है द्वारा कब से कब तक कृषि पोषक उद्यान सप्ताह मनाया गया सही आंसर ऑप्शन ए है सो डी एन आर एल एम हैज्जर्व एग्री न्यूट्री गार्डन वीक फ्रॉम टेंथ टू से जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी टू दो हजार लिए भारत के लिए नोमुरा की वृद्धि का अनुमान क्या है? सही है। सही आंसर ऑप्शन ए तमिलनाडु के प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार पुरातत्वविद और पुरालेखविद का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया है सही आंसर ऑप्शन डी है सो so, नोटेड इंडियन हिस्टोरियन आर्कोलॉजिस्ट एंड एपिग्राफिस्ट फ्रॉम तमिलनाडु रामचंद्र नागस्वामी अवे रिसेंटली इसरो प्रणोदन परिसर जहां इसरो ने गगनयान कार्यक्रम के लिए विकास इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया किस राज्य में स्थित है सही आंसर ऑप्शन सी है इसरो वेयर इसरो सक्सेसफुली टेस्टेड विकास इंजन फॉर गगनयान प्रोग्राम इज लोकेटेड इन तमिलनाडु प्रोग्रामिलीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है सही आंसर ऑप्शन सी है सो विनोदानंद हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी निम्नलिखित में से किसने कोरोना वायरस के ओमिक्रोन ओमिक्रॉन संस्करण के परीक्षण के लिए आर टी पी सी आर सेंट्रल ड्रग रिस आर टी पी सी आर डायग्नोस्टिक किट ओम फॉर द टेस्टिंग ऑफ द ओमिक्रॉन वेरियंट ऑफ कोरोना वायरस किस बैंक ने उभरते एशिया के लिए टाटा सेंटर विकास में निवेश करने के लिए 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर की प्रतिबद्धता जताई है सही आंसर ऑप्शन

बुर्कीना फासो प्रेजिडेंट रोश मार्क क्रिस्टियन काबोरे नाउ इन द मिस्ट ऑफ मिलिट्री कू ब्रांड फाइनेंस दो हजार बाईस के अनुसार निम्निखित में से कौन दुनिया भर में आई टी सेवाओं में दूसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड है सही आंसर ऑप्शन ए है सो एज पर दी ब्रांड फाइनेंस ट्वेंटी ट्वेंटी टू टीसी द सेकेंड मोस्ट वैल्यूड ब्रांड इन आई टी सर्विसेज वर्ल्ड वाइड अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है सही आंसर ऑप्शन बी है सो इंटरनेशनल कस्टम्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन जनवरी ट्वेंटी सिक्स किस कंपनी ने इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण के लिए महिंद्रा समूह के साथ भागीदारी की है सही आंसर ऑप्शन बी है सो हीरो इलेक्ट्रिक हैज पार्टनर्ड विद महिंद्रा ग्रुप टू मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है सही आंसर ऑप्शन सी है द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आई एम एफ हैज कट इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट टू नाइन परसेंट फॉर द करंट फिजिकल ईयर आईसी मैं क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है सही आंसर ऑप्शन सी है सो पाकिस्तान अफरीदी हैज बीन साहिन अफरी आईसीसी मैं क्रिकेटर ऑफ द ईयर गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को पद्मश्री और भारतीय सेना के किस पदक के प्राप्तकर्ता के रूप में नामित किया गया सही आंसर ऑप्शन डी है ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा वॉज ने रिसिपियंट ऑफ द पद्मश्री एंड परम विशिष्ट सेवा मेडल ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे किस पैरा एथलीट को पद्म भूषण पुरस्कार की प्राप्तकर्ता के रूप में नामित किया गया है सही आंसर ऑप्शन डी है सो पैरा एथलीट देवेंद्र चेजारिया वॉज नेम्ड एज रिसिपियंट ऑफ द पद्म भूषण अवॉर्ड गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर किस पुलिस विभाग को सर्वाधिक वीरता पदक प्राप्त हुए सही आंसर ऑप्शन डी है ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस डिपार्टमेंट रिसीव द दाइएस्ट नंबर ऑफ ब्रेवरी मेडल्स फ्लर्ट इंडिया और किसने एमएसएमईस को डिजिटल ऋण देने के लिए साझेदारी की घोषणा की सही आंसर ऑप्शन ए है सो इंडिया एंड पेटीएम हैव अनाउंस्ड अ पार्टनरशिप टू एक्सपैंड डिजिटल एम टू एमएसएमईज़ भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच कितने वर्षों के राजनयिक संबंध हैं सही आंसर ऑप्शन ए है सो इंडिया एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैव थर्टी ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन दैम तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली इंडिया सेंट्रल एशिया समिट होस्ट की थी इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम किया गया है रूसी चीनी और ईरानी नौसेनाओं ने किस जल निकाय में किस वाटर बॉडी में चीरू 2022 ट्वेंटी टू अभ्यास किया सही आंसर ऑप्शन बी है गल्फ ऑफ ओमान ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2022 रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला ब्रांड है सही आंसर ऑप्शन सी है सो so, TikTok इज द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड एज पर the फाइनेंस ग्लोबल Global 500 2022 report. Transparency रिपोर्ट ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार सूचकांक सुच, में भारत का स्थान क्या है सही आंसर ऑप्शन सी है सो इंडिया इंटरनेशनल Index एट्टी 85. जी बाला सुब्रमण्यम को किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है सही आंसर ऑप्शन सी है जी हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू नाइजीरिया भारत ने सुनामी के मद्देनजर किस देश को टू लैक अमेरिकी यूएस डॉलर की तत्काल राहत सहायता की घोषणा की है सही आंसर ऑप्शन ए है सो इंडिया अनाउंसड टू लैक यूएस डॉलर इमीडिएट रिलीफ असिस्टेंस टू टोंगा इन द वेक ऑफ सुनामी उस बीस दिवसीय संयुक्त समुद्री अभ्यास का नाम बताइए जो भारतीय नौसेना द्वारा अरब सागर में आयोजित किया गया सही आंसर ऑप्शन डी है सो डे जॉइंट मैरिटाइम एक्सरसाइज पश्चिम लहर कंडक्टेड बाय इंडियन नेवी एट द अरेबियन सी किस बैंक ने गो की के साथ मिलकर सी यू बी फिटनेस वॉच डेबिट कार्ड लॉन्च किया सही आंसर ऑप्शन सी है सो सिटी यूनियन बैंक हैज लॉन्च सी यू बी फिटनेस वॉच डेबिट कार्ड इन टाइप विथ गो

होम अमित शाह हैज़ वर्चुअली रिलीज इंडिया फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स फॉर ट्वेंटी डिस्ट्रिक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर निम्नलिखित में से कौन 2021 में कारोबार किए अनुबंधों की के संख्या के मामले में दुनिया में सबसे बड़े डेरिवेटिव एक्सचेंज के रूप में उभरा है सही आंसर ऑप्शन डी है सो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया हैज एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेरिवेटिव एक्सचेंज इन 2021 इन टर्म्स ऑफ ऑफ द नंबर ट्रेडेड बीसवें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीतने वाली फिल्म कुजंगल के निर्देशक कौन है तो सही आंसर ऑप्शन सी है सो so, इस फिल्म के निर्देशक हैं पी एस विनोद राज ऑप्शन सी भारत का पहला ग्राफिन इनोवेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा सही आंसर ऑप्शन ए है इंडिया फर्स्ट कैफीन इनोवेशन सेंटर विल बी एस्टेब्लिश्ड इन केरला भारत ने कितने ए, बिलियन इन्वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स पावर हाउस बनने के लिए पांच साल के रोड मैप का अनावरण किया सही आंसर ऑप्शन सी है इंडिया ईयर रोड मैप टू थ्री हंड्रेड बिलियन यूएस इलेक्ट्रॉनिक्स पावर हाउस बाह्य वाणिज्यिक उधार यानी कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स के लिए ऑप्टिमल हेच रेशो कितना है सही आंसर ऑप्शन बी है सो सिक्सटी थ्री परसेंट इसमल रेशो फॉर द एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स भारतीय शास्त्रीय नृत्य प्रतिपादक मिलिना सालविनी जिनका हाल ही में निधन हो गया को किस नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था सही आंसर ऑप्शन ए है इंडियन क्लासिकल डांस एक्सपोनेट मिलिना सालविनी हो पास रिसेंटली वॉज कन्फर्ड विथ पद्मश्री अवार्ड डेनियल मेटवेदेव को हराकर अपना दूसरा ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब इसने जीता है सही आंसर ऑप्शन ए है सो राफेल नडाल बीट डेनियल मेटवेदेव टू लिफ्ट हिज सेकेंड ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल

भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है ऑप्शन आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी है सो so, इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन इन गुरुग्राम भारत की पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट का नाम बताइए जो गणतंत्र दिवस समारोह में भारतीय वायुसेना की झांकी का हिस्सा थी और यह उपलब्धि हासिल करने वाली दूसरी महिला फाइटर जेट पायलट बनी सही आंसर ऑप्शन बी है सो इंडिया फर्स्ट व्यूमेन राफेल फाइटर जेट पायलट शिवांगी सिंह वॉज पार्ट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स टेबलू एट द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन बिकमिंग द सेकेंड वुमन फाइटर जेट पायलट टू अचीव द फिट नए मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है सही आंसर ऑप्शन डी है सो वेंकट रमन अनंत बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जय भीम और किस फिल्म को चौरानवेवे अकेडमी पुरस्कार के लिए शॉर्ट किया गया है सही आंसर ऑप्शन डी है जय भीम एंड मरा भारतीय महिला हॉकी टीम ने 2022 एशिया कप मास्केट ओपन में कहा से पदक हासिल करने के लिए किस टीम को हराया है ट्वेंटी ट्वेंटी टू एशिया कप इन मोस्केट ओमान शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है आपको जानना चाहिए शहीद दिवस दो दिन मनाया जाता है एक तो तेईस मार्च को और दूसरा तीस जनवरी को डेटा गोपनीयता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है सही आंसर ऑप्शन ए है सो डेटा प्राइवेसी डे अकर्स एवरी ईयर ऑन जनवरी 28 सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने टी क्रास टू पुरस्कार जीता है यह रिजर्व किस राज्य में स्थित है सही आंसर ऑप्शन टी है तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व won टी क्रास टू अवार्ड द टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन तमिलनाडु द टेन ट्रिलियन ड्रीम नामक पुस्तक के लेखक कौन है सही आंसर ऑप्शन डी है सो सुभाष चंद्र गर्ग इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड द दिलियन यूएस डॉलर ड्रीम वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार 2021 में वैश्विक सोने की मांग 10 प्रतिशत बढ़कर चार हजार इक्कीस टन हो गई है आपको बताना है जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल इसका मुख्यालय कहाँ है तो इसका मुख्यालय आपका लंडन यूनाइटेड किंगडम में है यानी कि ऑप्शन सी दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन किस बंदरगाह शहर में किया गया सही आंसर ऑप्शन सी है दर्ल्ड लार्जेस्ट कैनाल लॉक बीन इनोग्रेटेड इन द पोर्ट सिटी ऑफ इजमोट यह नीदरलैंड में इमोइडन इसको आप बोलेंगे में कौन विश्व का सबसे मूल्यवान ब्रांड है सही आंसर ऑप्शन है. इज द वर्ड मोस्ट वैल्यूबल ब्रांड दूसरे नंबर पर Amazon है फिर है गूगल फिर माइक्रोसॉफ्ट फिर वॉलमार्ट भारत ने वर्ष दो के लिए संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट आंकलन में कितनी राशि का भुगतान किया है सही आंसर ऑप्शन बी है सो इंडिया पेड 29.9 मिलियन यूएस डॉलर इन यूएन रेगुलर बजट असेसमेंट्स फॉर द ईयर 2022 किस संगठन ने इनएक्वालिटी स्किल्स शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है सही आंसर ऑप्शन सी है सो ऑक्सफैम इंडिया हैज रिलीज रिपोर्ट टाइटल इनक्वेलिटी स्किल्स तो इस तरह के आप हमारे एक से दस जनवरी तक के करंट अफेयर देख सकते हैं जिसमें हमने जो है सुपर फास्ट रिविजन किया है और इसी तरह से आप ग्यारह से बीस तक के भी देख सकते हैं और ये आपके लिए इक्कीस से इकतीस तक के करंट अफेयर्स हमने पेश किए साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट करेंटेस हम आपसे सभी ग्रेट डालते रहते हैं साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेट्स दी गई है इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ फेलो एसपन के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें आज का इस सेशन आपको कैसा लगा हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा थैंक यू गाइज